बड़े से बड़ा पुलिस अधिकारी अगर कहीं पे झुकता है, कहीं पे नतमस्तक होता है या उसको कहीं पे डर लगता है, तो वो सिर्फ एक ही जगह है, अदालत। बिल्कुल आपने सही सुना, मैं अदालत की ही बात कर रहा हूँ, शायद आप बीवी को सोच रहे। बीवी से तो सबको ही डर लगता है, आज मैं अदालत की बात कर रहा हूँ। अदालत एक ऐसी जगह है जहां पे पुलिस को डर भी लगता है और अदालत के सामने पुलिस झुकती भी है। दरअसल जो आज की मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कुछ ऐसी ही है। कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। कानपुर जिला में एक थाना लगता है जिसे काकादेव के नाम से जाना जाता है। उसी काकादेव थाने में अदालत हर बार समन जारी करती है और वही अदालत बार बार समन जारी करने के बाद पुलिस परेशान हो जाती है, हताश हो जाती है। बार बार समन आने से पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं। बार बार आरोपी के घर पर काकादेव की जो पुलिस है वो जाती है और बार बार वहां पे जो दंपति है, जो आरोपी के माता पिता, उनके घर पर जाती है और बार बार पूछताछ करती है। जो दंपति है, जो आरोपी के माता पिता, वो उनको एक ही बात बोलते हैं कि हमें हमारे बेटे का नहीं पता वो कहां पर है। अब की बार फिर ऐसा ही हुआ। अदालत से काकादेव थाने के लिए समन जारी हुआ। काकादेव की जो पुलिस है वो दंपति के घर पर पहुंचती है और अब की बार जब वो आरोपी के घर पर पहुंचती है तो देखते हैं कि ताला बंद है, वहां पे ताला लगा हुआ है। आस पड़ोस में जब वो पूछते हैं कि ये दंपति कहाँ गए हैं, ये परिवार कहाँ गया है, तो पड़ोसी जो उनको बताते हैं कि बेटे का तो हमें पता नहीं, लेकिन जो ये दंपति है, जो माता पिता है लड़के के, ये आजकल बाहर ही इनका आना जाना लगा रहता है क्योंकि ये अपने बेटे के लिए बहू की तलाश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर बहू की तलाश कर रहे हैं तो उन्हें बेटे का भी पता होगा। यही से उन पुलिस वालों का दिमाग काम करता है और वो एक ऐसी मिसाल पैदा कर देते हैं, एक ऐसी मिसाल रख देते हैं जो काबिले तारीफ थी। दरअसल होता क्या है, एक पुलिस वाले बुजुर्ग पुलिस वाले को तैयार करते हैं और दंपति के, जो आरोपी के माता पिता है, उनके घर पर भेज देते हैं। जब वो बुजुर्ग पुलिस वाला दंपति के परिवार के घर पर पहुंचता है तो उसके हाथ में एक सुंदर सी फोटो थी, लड़की की सुंदर सी फोटो थी। जब वो पुलिस वाला आरोपी के माता पिता को फोटो दिखाते हैं कि ये मेरी बेटी की फोटो है और मैं इसके लिए एक बेटे की तलाश में हूं जिससे मैं इसकी शादी करूं। लड़की की जो फोटो देखते हैं वो लड़की की फोटो बहुत ही खूबसूरत होती है, जिसे देखकर आरोपी के जो माता पिता है वो लट्टू हो जाते हैं और मन ही मन उनके लड्डू फूटने लग जाता है कि लड़की बहुत ही अच्छी है। फोटोग्राफ जब वो देखते हैं तो बहुत ही अच्छी उनको फोटो दिखाई देती है। जब बुजुर्ग जो कहते हैं पुलिस वाले बुजुर्ग जो कहते हैं कि ये मेरी अकेली ही बेटी है, आज तक जो भी मैंने कमाया, जो भी मैंने इकट्ठा किया है, वो सब इसी का है, इसका कोई दूसरा परिवार में नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है, बेटी मेरी अकेली है। दोस्तों जब वो फोटोग्राफ उनको दिखाते हैं, दंपति को दिखाते हैं, तो वो उनके मन में लड्डू फूट जाते हैं और वो वही फोटो अपने बेटे यानी कि जो आरोपी जिसका नाम धर्मेंद्र बताया जा रहा है उसको वो फोटो भेजते हैं। फोटो देखकर धर्मेंद्र जो आरोपी होता है उसके मन में लड्डू फूटता है। वो मन ही मन सोचता है कि फोटो में जब ये इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही है लड़की, तो सामने से जब मैं देखूंगा तो कैसी होगी। यहीं से दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और जब लड़के को वो फोटो दिखाई जाती है तो जो दंपति है, माता पिता है, उनको बोलते हैं कि ठीक है आप आ जाओ, जो आगे की रस्म है वो पूरी कर लेते हैं और उस लड़की के साथ हम आपकी शादी कर देते हैं। तो लड़का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी को नहीं पता था कि लड़का कहाँ रहता है, पर जाहिर सी बात है अगर माँ बाप बेटे के लिए बहू देख रहे हैं तो उनको ये भी पता होगा कि बेटा कहाँ पे है। दरअसल बेटा जो है राजस्थान के उदयपुर में रहता है और उदयपुर से कानपुर की जो दूरी है 830 किलोमीटर है। जब लड़के को फोटो भेजी जाती है तो आओ देखता ना पाओ देखता, कुछ नहीं देखता, लड़का 830 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय करके घर पर आ जाता है। जब वो घर पर पहुंचता है
जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुलिस जब अपनी पे आए तो क्या नहीं कर सकती, रस्सी का सांप और सांप की रस्सी, भली बातें आप जानते हैं कि पुलिस बना देती है और बनाना चाहिए भी। अगर कोई आरोपी गिरफ्त में नहीं आता या पुलिस को परेशान करता है तो पुलिस अपनी चाल कुछ इस तरह कायम करती है। तो होता क्या है दोस्तों, जब वो 830 किलोमीटर की दूरी तय करके उदयपुर से कानपुर के लिए आता है, कानपुर आकर जब वो लड़का घर के अंदर एंट्री करता है तो पुलिस वाले उसको दबोच लेते हैं, पकड़ लेते हैं और यहीं से एक नई मिसाल कायम करते हैं। दरअसल होता क्या है, होता ये है दोस्तों कि पुलिस वालों को ये आरोपी लगभग एक साल पहले एक बाइक गिरोह को पुलिस ने पकड़ा था, और जो ये धर्मेंद्र जो आरोपी बताया मैंने आपको, ये उस गिरोह का मुखिया होता है। सबको पुलिस पकड़ लेती है, सिर्फ ये धर्मेंद्र नाम का जो आरोपी है ये पुलिस को चकमा देता है, भाग जाता है, और पुलिस ताक में बैठी थी कि इसको पकड़े तो पकड़े कैसे। तो जब पुलिस वाले काकादेव थाने की जो पुलिस है आरोपी धर्मेंद्र के घर पे जाती है, जब उनको एक सुराग मिलता है, एक बात मिलती है कि जो उसके माता पिता हैं वो उसकी बहू के लिए तलाश कर रहे हैं, धर्मेंद्र की शादी के लिए एक बहू की तलाश है, यहीं से उन पुलिस वालों का दिमाग काम करता है और वो एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं जिसे देखकर, सोचकर और जिसे समझकर लोग हैरान हैं, परेशान हैं। दरअसल मैंने जैसे आपको बताया कि ये गिरोह का जो की होता है धर्मेंद्र होता है, और जो गिरोह का जो मतलब केस होता है कोर्ट तक पहुंच जाता है, कोर्ट से हर बार काकादेव थाने के लिए समन जारी होता है, काकादेव थाने की जो पुलिस है हर बार घर पे जाती है, और पुलिस वाले जब उनके घर पर पहुंचते हैं तो दो पुलिस वालों का दिमाग जो है काम कर जाता है, और वो उस आरोपी धर्मेंद्र सिंह को लड़की की फोटो दिखाकर पकड़ लेते हैं। दोस्तों आपने कहानी तो सुनी होगी, लालच बुरी बला, लालच एक ऐसी चीज है, लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार पुलिस जब अपनी आई पे आती, मैंने जैसे पहले भी बोला कि पुलिस अपनी आई पे आए तो रस्सी का सांप और सांप की रस्सी बना देती है, ऐसा ही पुलिस ने जो कारनामा किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। इसके लिए जब वहां के जो डीसीपी थे कानपुर के उस टाइम पे, जो संजीव त्यागी डीसीपी थे, उन्होंने जब ये इस स्क्रिप्ट को पढ़ा, इस कहानी को पढ़ा, समझा, तो वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए थे, और उन्होंने जो दो पुलिसकर्मी थे उनको इनाम भी दिया, और ऐसी एक मिसाल कायम करने के लिए उन्होंने जो काम किया वो वाकई में काबिले तारीफ। धन्यवाद।